हमारे समधी हैं वो भी आई स्पेशलिस्ट हैं, वो उन्होंने ही हमें इनके बारे में सजेस्ट किया था कि आप, क्योंकि हम जो हम ढूंढ रहे थे, जब से मुझे पता चला कि मुझे कैटरेक्ट सर्जरी है करवानी पड़ेगी, तब से हम सोच रहे थे कहाँ करवाएं। तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमें कहा कि आप आई सेवन हॉस्पिटल है, वैसे तो इनकी शायद काफ़ी ब्रांचेज हैं, तो क्योंकि हम नोएडा रहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप लाजपत नगर में आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। देखिए पहली बार जब आई थी तब तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हुई थी क्योंकि किसी को जानती नहीं थी, पहचानते नहीं थे हम लोग। बट जब फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर राहुल से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, एक अपनापन सा लगा उनसे कि बहुत प्यार से बात करते हैं वो, और पेशेंट को लाइक अपनापन मिलता है और एक सहूलत सी होती है किसी भी काम को करवाने के लिए। मेरी यहाँ पर दो सर्जरीज हुई, एक मेरी 2 दिसंबर को हुई थी, वो मेरी लेफ्ट आई की हुई थी, और एक मेरी 12 दिसंबर को हुई राइट आई की। पहली सर्जरी के बाद तो मुझे फिर भी अच्छा तो लग रहा था बहुत, मतलब वाइट दिखती थी, चश्मे पीला देखने की बजाय सफ़ेद सफ़ेद सब नज़र आने लग गया था, तो बहुत अच्छा लगता था। पर दूसरी आंख मेरी अभी मुझे तंग कर रही थी, तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं आई गो फॉर द सेकेंड सर्जरी ऑल्सो। देन मेरी डॉक्टर राहुल से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं आप करवा सकते हो। फिर मैं जब चेकअप कराने के लिए आई तो फिर मैंने नेक्स्ट 12 की उन्होंने मुझे डेट दी As per my convenience. So hello and welcome back. And Neera ma'am का कल हमने सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा था, एंड जो टेक्नोलॉजी हमने इसमें यूज करी थी वो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी से हमने ऑपरेशन करा है, एंड जो लेंस डाला है दैट इज द टेक्निस आई हैंड्स लेंस, जो ईड ऑफ कैटेगरी का लेंस है जिसमें पेशेंट को दूर का भी दिखता है, बीच का भी दिखता है, बस जब नजदीक का काम करना होता है तब थोड़ा सा चश्मे की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी 24 घंटे हो गए हैं एंड लेट अस चेक मैम की विजन कैसी आई है। HDRTPCVUKSFZEHRTCDKUPSVFZETRHU राइट। सो फर्स्ट डे हम देख सकते हैं कि विजन ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गई है, एंड थोड़ा बहुत जब आंखों की सूजन वगैरह चली जाएगी तो विजन ये और अच्छी हो जाएगी। आंखों का बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आई मीन वैसे तो अभी आंखों का काला चश्मा लगा हुआ है, पर सोचती हूँ जब ये उतरेगा तो आई थिंक मैं बहुत अपने आप को फ्री फील करूँगी, फ्री फ्रॉम स्पेक्स, एंड काफ़ी खुला खुला महसूस होगा हर चीज़, मतलब ब्राइट देखने की शायद मुझे आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक तो मेरे को नहीं दिखता था ब्राइट इतना। सब कुछ इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है देखने में, चश्मे से शायद नहीं लगता। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ केयर होती है, एक अपनापन है, और मेरे ख्याल इससे ज़्यादा मरीज़ को चाहिए भी नहीं कुछ भी, एक आई पेशेंट को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। बाकी तो जो करने वाले डॉक्टर होते हैं और उन पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आँख ऐसी चीज़ है जो एक लाइफ होती है आपके लिए, आँखों के बिना कुछ नहीं। एंड बस इतना ही है काफ़ी बस कहने के लिए। इट्स रियली नाइस दैट शी हैज गॉट हर स्पेक्स रिमूव्ड। इन फैक्ट बहुत साल पहले माय वाइफ आल्सो गॉट लैसिक्स डन, बट इट्स रियली नाइस एंड द हॉस्पिटल इज वेरी नाइसली मेड, वेरी क्लीन।